कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चंद्रयान 3 के अभियान पर बोलने का अवसर दिया है। मैं देश के वैज्ञानिकों का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को ये अवसर दिया, ये माहौल उपलब्ध कराया जिसमें देश एक गौरवमय इतिहास में जिससे देश ने प्रवेश किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी दलों में यह होड़ चल रही है कि किसको श्रेय दें किसको न दें। संस्कारों की बात भी हो रही है, संस्कृति की भी बात हो रही है, लेकिन एक संस्कार यह भी होता है कि अगर अभिभावक ने अपने बच्चों पर अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया तो सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो इच्छित परिणाम प्राप्त करना होता है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नेतृत्व दिया जिस नेतृत्व की तलाश थी लोगों को, और अधीरता आपकी अधीरता भी समझ में आती है। बार बार आप उठ रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, आप खड़े हो गए तो मुझे भी याद आया, अगर श्रेय लेना चाहते हो तो प्राजेय का भी श्रेय लेना चाहिए। देश में आप इतिहास पढ़ाते हैं, आपने उठकर याद दिला दिया। हम इतिहास पढ़ाते हैं, 1948 का युद्ध जीत गए हम, 65 का युद्ध जीत गए हम, 1971 का युद्ध जीत गए। बदले में मिला क्या देश ये भी जानना चाहता है। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और आपने पीओके छोड़ दिया समझौते के टेबल पर। वहां की जेलों में हमारी सेनाओं को छोड़ दिया कारावास में, उसका श्रेय आप नहीं लोगे, लेकिन जो अच्छा हो रहा उसका श्रेय माननीय सदस्य चंद्रयान 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 श्रेय उसका नहीं लेंगे आप। हमारे सेनाओं ने जान दिया, इसलिए धीरता छेड़ा नहीं करिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। ओके, इसलिए मैं इस चंद्रयान 3 के अभियान के लिए अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और अपनी क्षेत्र की जनता चतरा लोकसभा और झारखंड की ओर से उनका स्वागत और वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, चंद्रयान 3